और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का 24वां दिन है। खाप पंचायतें आज चक्का जाम करेगी। आज दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम किया जाएगा। खाप के नेता हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है। 84 खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और आज पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा। व्यापारी आएगा, बाहर का बड़ा व्यापारी आएगा, एमएसपी है नहीं, सपोर्ट सरकार की है नहीं और सस्ते में लूटेगा। सरकार कैसे निकलेगा हल? विवाद खत्म करने के लिए कौन करेगा पहल? किसान आंदोलन 24वें दिन भी जारी है और देश के मन में एक ही सवाल है कि आखिर आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा। किसान आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं, सरकार उन्हें समझाने की कोशिश, लेकिन 8 दिसंबर से बंद बातचीत शुरू होती नजर नहीं आ रही। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से, सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं आंदोलन को। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। किसानों ने आज दिल्ली को घेरने का नया प्लान बनाया है। आज 84 खाप पंचायत के नेता दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम करेंगे। गाजीपुर, चिल्ला, टिकरी, सिंघू बॉर्डर समेत हर बॉर्डर पर किसान पहले से ही धरना दे रहे हैं। लोनी बॉर्डर को भी 21 दिसंबर से सील करने का किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं। वहीं किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 20 से ज्यादा किसानों को आज श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। लुधियाना में आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देर शाम कैंडल लाइट मार्च भी निकाला गया। किसानों का कष्ट देश के साथ सरकार को भी समझ में आ रहा है, लेकिन विपक्ष बात को बनने नहीं दे रहा। हालांकि पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को किसान आंदोलन पर बड़े ऐलान के संकेत दिए हैं। अभी 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर देश भर के किसानों के साथ विस्तार से बात करने वाला हूं। विवाद कैसे खत्म होगा, इसका जवाब तो किसानों और सरकार को ही खोजना है। जिद किसी के लिए अच्छी नहीं होती। सरकार बनाम किसान का अंजाम क्या होगा वो तो समय तय करेगा, लेकिन जी हिंदुस्तान किसानों की आवाज आप तक हर कीमत पर पहुंचाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़ा ऐलान करेंगे। अटल जी की जन्म जयंती पर किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ा फैसला होगा, वो फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पीएम मोदी ने किसानों से वादा किया है कि 25 दिसंबर को वो एक बार फिर से आएंगे आप सबके बीच, यानी कि किसानों के बीच बड़ा ऐलान हो सकता है। किसान भाइयों बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पीएम मोदी ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार की नियत गंगा यमुना की तरह पवित्र और साफ है, किसान अब अपनी मर्जी का मालिक होगा। पीएम ने कहा कि भ्रम फैलाने वाली जमात से सावधान रहें। देश हमारी नियत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। 6 महीने हो गए कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष मंडियों को लेकर भ्रम फैला रहा है। पिछले 70 साल से किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच पाता था, सरकार ने उन्हें विकल्प दिया है। मंडियां खत्म नहीं होंगी, सरकार 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मंडियों के आधुनिकीकरण में खर्च कर रही है। और चलिए इस वक्त मेरे सहयोगी हितेन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। हितेन, सुबह सुबह वहां पर क्या कुछ चल रहा है सिंघू बॉर्डर पर? बिल्कुल, देखिए 24वां दिन है और यहाँ सुबह देखिए किस तरीके से सड़कों पर इनकी रात बीती है। हर दिन
ऐसे ही जो है ये किसान यहाँ पर डटे रहते हैं। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो रात की, अगर देखिए कुछ किसान भाई किस तरीके से सड़कों पर सोए हुए हैं। देखिए रात में इस तरह से सोने के लिए भी ये मजबूर है, लेकिन ये साफ तौर पर ये मांग वही करते हैं कि अगर कानून रद्द नहीं हुआ तो वो यहाँ से उठेंगे नहीं, सरकार कितना भी मनाने की कोशिश करे वो मानेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर अब मंच की भी तैयारियाँ हो रही है, कुछ किसान भाई है उन्हीं से बात करते कि अब तो 24 दिन हो गए, कब तक ऐसे बैठे चली देना, ये बड़ा लंबा चौड़ा था चल रहा हूं इतने 4 साल ज्यादा का 4 साल बैठ सकते हैं सुभान है। हां मोदी को भगा के फिर जाएंगे, अजी आटा लथा ही ट्रालियां, ठंड नहीं लग रही पापा जी, ठंड दा साडे सुन तेल लाउन जी कर बैठ के मार के, ठंड नहीं लग रही ना ना कोई परवाह नहीं, साडे दा जी कर बैठ के मार जा ट्रालियां में आटा ट्रालियां जों में पिया है ट्राली कदे नहीं ऐदा ऐ तो पानी लांदे रहने हो तो ठंड लगदी हुण तो ठंड लगनी नंगे पैर भाई नंगे पैर चलने आप कवा रोज पानी लाउने पता ही थानू नहीं ठंड का ठंड है ही नहीं ठंड की गल छो सरकार सुनेगी जल्द समझाने की कोशिश कर रही है सरकार के कानून से बहुत फायदा होगा आपके हित का है, लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। हमें हमें ज्यादा पता है उनको जो खेती कर रहे हैं कैसे हैं, जितना कितना बीज पैंता दसो मनो कोई अलग दस दो मंत्री कि बीज पैंता कि हल लगती कि कणक कि बीजी दसो मान के मैं दसो जो बंद कानून बना दस कानून का फायदा दसो बिलकुल बिलकुल। तो हितेन कुछ और किसानों से भी आप बात करने की कोशिश करिए और जानिए कि चलिए मेरे दूसरे सहयोगी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमन वहां पर सुबह सुबह क्या कुछ चल रहा है? देखिए बिल्कुल मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह शुरू हो चुकी है और जो किसान है रात भर यहीं रुके हैं, अपने टेंट और ट्रॉली जो उन्होंने बनाई है यहीं पर उन्होंने पूरी रात गुजारी है। लेकिन अब फिर से सुबह यहां पर हो चुकी है और एक जो फिर चर्चा का दौर शुरू हो गया है, जगह जगह पर आपको समूह में बैठे हुए ग्रुप में बैठे हुए किसान बैठे हुए मिल जाएंगे। जो बात अब इसी पर चल रही है कि कल जो प्रधानमंत्री मोदी का जो संवाद था उसको लेकर अब उनका है कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए क्या किया जाए। तो ये सारे के सारे लोग मेरे साथ हैं जो कि अभी सुबह है और ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कल तो संवाद हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, तो उससे कोई उम्मीद नजर आई या लगा कि ये अब लंबा चलने वाला है? ये लंबा ही चलेगा, उम्मीद कुछ नहीं है। क्यों मानने तो प्रधानमंत्री तैयार नहीं है और किसान जो है अपनी बात मना के जाएंगे। वो जो भ्रम जो वो कह रहे थे कि भाई मैं पूरी बातचीत कर रहा हूँ, उन्होंने सारी चीजें एक के बाद एक रखी कि MSP खत्म नहीं होगी, जो मंडी है मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है, जो पुरानी मंडी है वो खत्म नहीं होगी, तो उससे भी कोई संशय छटा नहीं? ऐसा है किसान अनपढ़ तो रहा नहीं, अब जो पीछे से अनपढ़ चला आ रहा था ये फायदा लेते आ रहे थे सारी सरकार, अब तो सारा पढ़ा लिखा है, अब तो लिखता में लेगा कानून को भी सब चीज़। और ये कह रहे हमने ये कर दिया या किसानों कर दिया, ये वैसे किसान तो यहाँ है, यहाँ के बात क्यों नहीं करते, यहाँ भ्रम जाल दूर करो आकर। तो आपको लग रहा है कि वो गांव में जाके पंचायत कर रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं? कोई पंचायत नहीं, वैसे आज मैं अपने बंदे पकड़ रखे, जैसे बंदे अपने कहीं भी ले लेता लाओ मैं अभी अनाउंस करता हूँ भाई फलाने जगह दावत है और वहाँ चलो सारे वहीं बदले हो जाएंगे, क्यों ना कह लेना उन्हें तो दावत से लेना और टोपी और उन्हें अपना एक दे दें खर्चा देखा बस किसान की जाए बुलवा दें। यूपी पाँच सौ दावत पे ले जा रहे हो वहाँ BJP वाले, वहाँ हुई अलीगढ़ में फतेहपुर सीकरी में 500 रुपया दे के और दावत हवा में जब ले जा रहे हैं, गांव में मीटिंग करके देखे ना कहीं। अभी तो ठंड भी काफी हो गई है, लगातार बढ़ती जा रही है ठंड, लंबा चलेगा आंदोलन? आंदोलन लंबा ना चला, यूपी आ रही है अभी देखियो, लंबा चलेगा भैया 26 यूपी आना है, यूपी के रास्ते खोल दोगे सब कम से कम, फिर देखियो क्या हुआ दिल्ली पे। ये ट्रेन चला के देखे मात्र एक हफ्ते के लिए, पता लग जाएगी इनको किसान कहाँ कितना है। ये तो ये इनको तो इतने प्यार से घर घर मोदी हर हर मोदी करके इतने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी कि भाई किसानों का आय दुगनी करेगा, लेकिन आय दुगनी तो दुगनी किसानों के बीच में आने लायक भी नहीं रहा। आज की तारीख में आय दुगनी की बात अभी भी हुई है, MSP कह रहे हैं MSP खत्म नहीं होगी, जो थी वो रहेगी, साथ साथ उन्होंने कहा कि एक बार हो चुका है
भैया एमएसपी एमएसपी को ये तो गोली है, लैम चूस देना है चूसने के लिए, ये किसान यहाँ से जावे सीधा अपने घर, ठीक है। उसके अलावा तुम इन पर जो भी करना होगा वो वहीं होगा, जो भी कुछ भी होगा, किसान यहाँ से जाने का नहीं। 26 तारीख में 26 जनवरी को परेड देखेंगे यहाँ। ट्रैक्टर हमारे ऊपर खापड़ में चले हैं, हमेशा चकरोड़ों में चले हैं, गारों में चले हैं, इतने इतने ही। अब ये भी तो देखेंगे प्लेन सड़क पर चल गए, इन्हें भी तो मजा आएगा कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे। तो 26 तारीख है, 26 जनवरी को 26 जनवरी रहना ये, ये, ये किसान यहाँ मौजूद हैं और चलते सीधा चलते हैं सिंगू बॉर्डर जहाँ हितेन मौजूद है, और वहाँ भी जानते हैं कि वहाँ के किसान क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में है। हितेन, ओवर टू यू। बिल्कुल रमन, देखिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, सुबह का वक्त है, चाय पी रहे लोग, चाय पर चर्चा करते हैं, चाय पर सुलह की चर्चा करते हैं। इन लोगों से क्या लगता है सुलह कब तक होगी बाबा जी, कब तक सरकार से सुलह होगी? सरकार को क्या पता कब सुनेंगी, हम तो जोर रोज जोर लगाते हैं कि सरकार सुने हमारी, हम आए इसलिए आए हैं। लेकिन 24 दिन हो गए, अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का क्या, तो हम तो चाहे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, एक बात सुनो, ये कोई गांधी जी ने चरखा घुमा के तो कुर्बानी नहीं की, सुखदेव गुरु राजगुरु सुखदेव भगत सिंह उन्होंने कुर्बानियां कीतियां ने, ऊधम सिंह उन्होंने, असि भी कुर्बानी देने नू आए हैं। लौटेंगे दिन आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जी हिंदुस्तान पर आप देखेंगे, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। किसान आंदोलन खत्म होने की उम्मीद जो है वो अब बढ़ चुकी है। कृषि मंत्री किसानों से अनौपचारिक बातचीत लगातार उनकी जारी है और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि साल खत्म होने तक किसानों का जो आंदोलन है वो भी खत्म हो सकता है। हितेन, ये बहुत अच्छी खबर है अगर ऐसा होता, क्योंकि अनऑफिशियल बातचीत में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों से ही बात कर लेते कि अनऑफिशियल बातचीत में ये पता चला है कि सुलह हो सकता है बहुत जल्द और आंदोलन भी खत्म हो सकता है। क्या लग रहा है, कब तक सच होगा ये? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही, जैसे मोदी जी और उनके मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो अभी तक कानूनों को बढ़िया दिखाने में ही लगे हुए हैं। वो तो बार बार बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, हमारे कानून बहुत बढ़िया है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, अपने बंदे खड़े करके उन्हें तो समर्थन करा के बढ़िया। सरकार से हो सकती है बातचीत, हो सकती है बातचीत के लिए हम पहले भी तैयार थे, अभी तैयार है। हम बोल रहे हैं कि देश के 507 संगठन हैं, उनकी कमेटी बनी हुई है, उन सभी भाइयों को, देश के सभी भाइयों को, किसानों को कमेटी में बिठाया जाए, मोदी जी स्वयं आप मीटिंग करें, पहल कदमी करें, मसले का हल निकाल सकते हैं मोदी जी आप, इसलिए आप आगे आकर किसानों का मसला हल करना चाहिए। देखिए रमन, ये कह रहे कि प्रधानमंत्री को खुद को पहल लेनी होगी, आगे बढ़ना होगा, तब जाके किसानों का मसला जो है वो सॉल्व होगा। वहाँ गाजीपुर में क्या हालात है, वहाँ क्या कह रहे किसान? इस वक्त गाजीपुर में हो और यही सारे किसान भाई मेरे साथ मौजूद हैं, और उनका कहना है कि भाई जो किसान है उसको अब यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है जब तक कानून वापस नहीं होंगे। उसने बीज का कोई रास्ता, बातचीत का कोई रास्ता नहीं, भैया कोई रास्ता नहीं, कानून रद्द तो रद्द। ये जब कानून बनाए थे किसानों की कमेटी बुलाया गया तभी तो उसमें संशोधन हो सका था, कुछ नहीं हो सका था। अब तो ये कहना है कि पीजे को कहेंगे किसान पिज्जा खा रहा, किसान ये खा रहा, किसान बढ़िया गाड़ी में चल रहा, अरे कर तो किसान ही रहा भाई, हम कर रहे हैं पिज्जा तो हम ही बना रहे हैं, तो क्या हम पहले हम नहीं खाएंगे तभी तो आगे देंगे? और किसान की हालत इतनी खराब कर दी, अब गेहूं की बुआई का या गेहूं का अच्छा मसला चल गया, किसान तो इस वजह सड़क पर पड़ा, 800 रुपए को धान बिका 1888 रुपए के रेट में, अब गेहूं ये एमएसपी गा रहे हैं, गेहूं की तो मेरे भाई ये खोला खा रहे हैं। देखो रही गेहूं की बात, कहीं गेहूं 700 रुपए क्विंटल ना बिके, किसान तो इस वजह से बड़ा है यहाँ, और किसान लैम चूस में नाने का गोली ना लेने का किसान। बिल्कुल बिल्कुल, किसान गोली नहीं लेगा, किसान खोया खा रहा है। पाजी कहाँ से है आप? देखो जी मैं जिला साझा गुरदासपुर से हूँ, पंजाब से जी। मैं कल सुना था भी सरकार परेशान है, किसान पिज्जा खा रहे हैं, हम तो खोया खा रहे हैं, अपनी भैंस का खा रहे हैं दूध निकाल के,
ये क्यों परेशान है? मर जाते रात खोया भी ना खाए, पिज्जा भी ना खाए, बस इतना ही कहना आपसे, आप भी विरोधी हो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा ये जो गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर किसान मौजूद है और इस वक्त सुबह यहीं पर चीजें शुरू हो गई हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लंगर भी लगना शुरू हो गया है, चाय बटनी शुरू हो गई है। तो किसान लगातार यहाँ पर एक लंबी चीज के लिए रुका हुआ है और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी है गाजीपुर बॉर्डर में और लगातार बातचीत के लिए। अब किसान सिर्फ यही कह रहा है कि भैया वापिस नहीं जाएंगे जब तक कि कानून वापिस ना हो जाए, तब तक वो यहीं मौजूद हैं। बाबा आप कौन से गांव से हैं? हम जिला बिजनौर से हैं, एरोला गांव। तो अभी कितना लंबा? वापिस तो भाई जब ही जाएंगे, जब ये कानून खत्म हो जाएगा जिस दिन, जब ही वापिस जाएंगे घर। बातचीत हैं भैया, कितने दिन डट के रहने का इरादा है अभी? कोई दिन का कोई निश्चित नहीं, जब तक वो कानून आज ही वापस करते हैं आज ही चले जाएंगे। तो अभी तो 25 तक तो बात हो ही गई है कि 25 को प्रधानमंत्री ने कहा दोबारा बात करेंगे। हाँ तो 26 को चले जाएंगे जी, 26 को चले जाएंगे, जब जाएंगे बाद में कानून वापस होने के बाद जाएंगे। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने MSP पे क्या है, MSP पे क्या कहा मध्य प्रदेश के किसानों से बात करते हैं, वो एक बार आपको सुनवाते हैं। MSP पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की घोषणा हुई, MSP पर सरकारी खरीदी हुई उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। MSP न बंद होगी न समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, वो साफ साफ कहा MSP पर जो भ्रमित किया जा रहा है वो भ्रम दूर करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन किसानों का क्या सोचना है? कल प्रधानमंत्री ने MSP को लेकर साफ साफ कहा कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, MSP जिस तरह पहले दी जाती थी उस तरह दी जाती रहेगी, ये किसान भ्रमित ना हो कि MSP खत्म हो रही है। बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, देखो यूपी में इन्होंने खत्म कर दी, बिहार में खत्म कर दी। अगर देना था उनका फिर रेट किस लिए चुनेगा, ये 900,000 रुपया किया। हम बोलते जे पहले वाला काम करना है फिर ऑर्डिनेंस खत्म कर दो, वापस ले जाओ ऑर्डिनेंस, जो पहले देते हमारे को मंजूर है वो पहले देते थे वो मंजूर है। अब वो कह रहे कि MSP पर भ्रमित किया जा रहा है किसानों को। जे ना मैं आपको बताना चाहूं कि अबानी अडानी जो मोदी सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, किसान भ्रमित नहीं हो रहे हैं। बार बार जे हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हम बोल रहे हैं कि जो जे कानूनों के जरिए जिनका MSP नहीं था, फसलों का सरकारी खरीद नहीं थी, केवल पंजाब में और हरियाणा में कणक और जो है जीरी है उसका ही सरकारी खरीद है, दूसरी 23 फसलों का हमें सरकारी खरीद की गारंटी लेकर देना पता चले। कोई भी प्राइवेट प्लेयर बिना टैक्स के जब घर में जाएगा तो सरकारी मंडी की क्या वैल्यू रहेगी? आपको जो जब कारपोरेट घरानों को इसने छूट दे दी, बिना टैक्स के जे खरीद कर सकते हैं, पिन कार्ड पे खरीद कर सकते हैं, तो आप मंडी में ना जाओगे? जब 2 साल ना मंडी में किसान गए तो मंडी का ढांचा जे भंग कर देंगे। रेट जो मक्की का हाल हो रहा है पंजाब में, मक्की का 1836 के करीब है जो MSP, ते व्यापारी ने क्या किया, कारपोरेट ग्रानों ने क्या किया, 700-800-900 रुपए में किसान की मक्की की लूट की है, ऐसे ही कणक और चावल की लूट होगी। बिल्कुल, तो रमन देखिए आपने सुना होगा ये कह रहे कि गारंटी की बात है, MSP पे कोई किसान भ्रमित नहीं है, सरकार गारंटी लिखित में दे।
हाँ बिल्कुल इतने देखिए गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त मैं हूँ और यहाँ भी सुबह एकदम शुरू हो चुकी है, बातचीत का दौर जारी है, अलाव अभी भी जले हैं। दिल्ली में हल्की ठंड जो है इस वक्त भी ठंड है और इसीलिए ये अलाव का भी इंतजाम है और यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि भैया अब कितने दिन यहाँ बैठे रहने का इंतजार है। भैया कहाँ से आए थे आप? मैं मोदीनगर से आया था भैया। मोदीनगर से आया, चलिए तो ठीक है। आप कहाँ से पहुँचे? हम बरेली से जी। क्या किसानी करते हैं, क्या कौन सी फसल उगाते हैं? हम गन्ना, गेहूं, धान, सरसों, आलू ये करते हैं साहब। जो कीमत है, जो कीमत है, जो MSP की बात हो रही है उस पे, धान पे, गेहूं पे, वो मिली आप लोगों को? नहीं साहब, नहीं मिलती। कुछ लोग इक्का दुक्का की तुल जाती है, वो भी 200 रुपये कुंटल देते हैं ना, 100 रुपये तब तुलती है, वैसे नहीं तुलती। तो अभी जो कल बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी ने जो संवाद किया है उसके बाद कुछ उम्मीद की चीज़ें बदलेंगी? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे संवाद किया है वो हम तो जब मानते हैं, जब हमारी एक कमेटी बनी हुई है किसानों की, भाई उसके साथ वो वार्ता करें और उसमें हाँ भरें तब तो माना। वैसे ही वो संवाद करने से तो कोई काम नहीं बनता। मन की बात बहुत दिन करते होते, मन की बात से काम हो जाता तो हमारा हो जाता। आज तक तो मन की बात से किसी का काम होया नहीं। दूसरा बात, मोदी जी ने भी कभी अपनी बातें, जो कई बार जैसे धरना प्रदर्शन हुए उससे पहले हमारे द्वार से हमारे नेता चले थे और यहाँ उन्हें रोक लिया था इसी बॉर्डर पर ही जी। तो साथ मांगे इनने कही थी हम पूरी कर देंगे, वो नहीं करी। काफ़ी लोगों से ऐसे, जैसे हमारे वहाँ चुनाव में गए थे जहाँ जाटों का एरिया था, वहाँ कहने लगे तुम्हें नया जाट नेता देंगे, हम कहने का मुख्यमंत्री देंगे नया, और जहाँ यादवों का था तुम्हें नया मुख्यमंत्री यादव देंगे। तो ये बातें चलो उस टाइम इलेक्शन टाइम में करते थे, कोई फर्क नहीं अपनी, लेकिन पद पर आने के बाद ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी तो बरेली से आए कितने दिन हो गए आपको? 22 दिन तो हो गए होंगे अभी यहाँ। आमिर साहब हाँ, हम 2 दिन बाद में आए थे। 20 दिन हो गए आप लोग? हाँ 20 दिन। अभी तो लंबा चलने वाला है फिर लग रहा है, क्योंकि 25 तारीख तक संवाद होगा आगे। देखो मैं इसके माध्यम से सरकार और मीडिया को बताना चाहता हूँ भाई, एक तो ये इस बकाव में नहीं रहे जो यहाँ किसान किसी पार्टी ने लिया रखे हैं या किसी नेता ने लिया रखे हैं। जी ऐसा नहीं है, ऐसा है उसकी चलती भी नहीं। अगर मेरे को कोई ले आया होगा, मान ले कोई पार्टी ले आई, तो मेरा कहना थोड़ी मान जाएंगे यहाँ। तो ये अब चाहे कोई ले आया हो, अब ये धरना प्रदर्शन सिर्फ किसानों का, सिर्फ किसान का, इसके ऊपर पूरा होल्ड है। मैं हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाए और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।